दोस्तों अक्सर ना मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि लोगों को ब्लूटूथ इन ईयर ईयरफोन चाहिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लिए, वो जब रनिंग पर जाते हैं या वो जिम जाते हैं या फिर नॉर्मल यूज़ के लिए अच्छी क्वालिटी के इन ईयर ईयरफोन चाहिए ब्लूटूथ में। मुझे दोस्तों एक रिव्यू यूनिट आई है लीफ की तरफ से, ये हैं इनके प्रीमियम ब्लूटूथ इन ईयर ईयरफोन्स, इनका हम फुल रिव्यू करेंगे, इनकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, रिव्यू यूनिट का मतलब ये नहीं है कि मैं सही सही बताऊंगा, जैसे भी ये ईयरफोन्स मुझको लगे आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मैं पास कर दूंगा ताकि आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन बना पाए। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त साहिब और आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल देख रहे हो टेक ट्विक्स, और चलिए वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि लीफ वायरलेस ईयरफोन्स कुछ ऐसी इनकी पैकेजिंग है, ब्लू कलर में डीप बास और स्वेट प्रूफ आगे लिखा गया है, साइड में लिखा गया क्राफ्टेड इन इंडिया, जो कि इसमें मेजर चीज़ है मेरे ओपिनियन से। साइड में इनके कुछ फीचर मेंशन किए गए हैं, रिचार्जेबल है, लाइट वेट है, एक्स्ट्रा टिप्स है, माइक है इनमें, स्पोर्ट्स फ्रेंडली, इन ईयर स्टीरियो साउंड, कुछ ऐसे फीचर है। नीचे की साइड इनकी सारी डिटेल्स दी गई हैं, बैक साइड पर इनका फिजिकल ओवरव्यू दिया गया है, राइट वाले ईयर प्लग में इसके सारे कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर अब जल्दी से इनकी ना पैकेजिंग जब हमने ओपन की, बड़े ही अच्छी प्रेजेंटेशन है इस वस्तु की, क्योंकि जब हमने निकाला ये बैग उसके नीचे दिए गए थे पेपर वर्क। वैसे तो हम कभी भी हमारे स्कूल की किताबें नहीं पढ़ते तो ये तो बात ही अलग है, बट ये बोलते हैं कि 20% ऑफ, एक है इसमें वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड, वैसे तो यार बिल से हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट में है इसकी यूज़र मैनुअल जो हम कभी भी नहीं पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल है यार, कौन सी ये रॉकेट साइंस है। अभी इस पाउच को खोलने पर हमें सबसे पहले बहुत ज़्यादा ईयर टिप्स देखने को मिलते हैं, जो कान में एडजस्टेबल टिप्स होते हैं वो भी, साथ में एक माइक्रो यूएसबी केबल मिलती है जो इस वस्तु को चार्ज करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाएगा। अगर मैं ब्लूटूथ ईयरफोन्स की बात करूँ, हाथ में लेते ही कहूँगा कि स्टाइल बहुत ही अच्छा है। इनके यहाँ पर राइट वाले ईयर प्लग में वॉल्यूम रोकर्स दिए गए हैं, और यहाँ पर जो मेटल वाला है ये इसका बटन है, लॉन्ग प्रेस करके आप इन्हें स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हो। हालांकि मोस्टली कंस्ट्रक्शन इनकी प्लास्टिक की है, देन अगेन काफ़ी अच्छे प्रीमियम ये फील हो रहे हैं। यहाँ पर आपको इसकी फ्लैट स्टाइल केबल देखने को मिलती है, साथ में ये एक छोटी सी वस्तु है जिसकी हेल्प से आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाओगे। इसका माइक्रो यूएसबी जैक है जो कि चार्जिंग के लिए यूज होगा। दोस्तों अब ना आपने इन ईयरफोन्स की अनबॉक्सिंग देख ली है, और मुझे ना इन ईयरफोन्स को यूज़ करते हुए तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है। यहाँ पर पड़े हैं ये ईयरफोन्स, तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे ना वो है इनकी बिल्ड क्वालिटी। यार ये काफ़ी लाइट वेट है, आपको ना ऐसे हाथ में पकड़कर थोड़ा सा वेट लगेगा, बट देन अगेन काफ़ी लाइट वेट है क्योंकि मटेरियल जो यूज़ किया गया है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। फ्लैट स्टाइल केबल यूज़ की गई है जो कि ख़राब नहीं होगी। उसके बाद ज़्यादातर इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको प्लास्टिक में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से वेट कम है बट वो अच्छी क्वालिटी का। यहाँ पर आपको मेटल की फिनिश भी देखने को मिलती है, जो कि मेरे ओपिनियन से अच्छी बात है। और दोस्तों ये ईयरफोन्स में ना हल्के हल्के टचेस दिए गए हैं जिनकी वजह से ये काफ़ी स्टाइलिश है। मेरे पास ये ब्लू कलर में है तो आप देख सकते हैं ये काफी स्टाइलिश लग रहे हैं। उनके बाद दोस्तों जब आप इन ईयरफोन्स को कान में प्लग करोगे ना, अभी तो मैंने टर्बन पहना हुआ है, तो यार ये ईयरफोन्स की जो फिट एंड फील है वो काफ़ी अच्छी है। चाहे आप इन ईयरफोन्स को पहन के जॉगिंग करो, चाहे आप ट्रेडमिल में हो, चाहे आप जिम में हो, आप इन ईयरफोन्स की देखोगे कि इनकी फिट एंड फील काफ़ी कमाल की है। ये अपने आप गिरते नहीं है कानों से, तो ये काफ़ी कम्फर्टेबल है, काफ़ी लाइट वेट है। हालाँकि मैं यहाँ पर एक चीज़ कोट करना चाहूँगा कि अराउंड एक घंटा यूज़ करने के बाद हल्का सा मुझे अनकम्फर्टेबल लगा, बट देन अगेन यार वो मेरे लिए हो सकता है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने भी यूज़ किया, उन्हें कोई भी इशू नहीं आया, जस्ट मैंने आपको ये बता दिया। बट इनकी जो फिट है, इनकी जो फील है वो बहुत ही अच्छी है क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी लाइट वेट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ब्लूटूथ ईयरफोन्स में उनकी साउंड क्वालिटी, एंड ट्रस्ट मी इन्होंने मेरे को ना सरप्राइज कर दिया। इनकी जो साउंड क्वालिटी है मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि काफ़ी बैलेंस्ड साउंड आता है। अगर आप वोकल्स वगैरह भी सुनते हो वो भी काफ़ी अच्छे हैं इनमें। यहाँ पर जो आपको बेस मिलती है वो इतनी पंची नहीं है, बट देन अगेन अच्छी बेस मिलती है, हाइज काफ़ी अच्छे हैं, मिड्स भी ठीक है, ट्रेबल भी ठीक है, लोज भी ठीक है। तो ब्लूटूथ ईयरफोन्स के हिसाब से यहाँ पर लीफ ने मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया काम किया है। और दोस्तों उसके
बाद बात करते हैं इनकी कॉल क्वालिटी की। जब यार मैं जिम में होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, जब मेरे ये ईयरफोन्स लगते हैं किसी की कॉल आ जाती है, मैं यहाँ से ही पिक कर लेता हूँ, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इनकी कॉल क्वालिटी अच्छी ना हो, दूसरी क्वालिटी जो पार्टी है उन्हें पता ही नहीं लगता कि मैं ब्लूटूथ ईयरफोन्स में हूँ। तो इनकी कॉल क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, जो कि एक कमाल की बात है। और यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इनकी जो कनेक्टिविटी है ना, मान लो मेरा अगर फ़ोन 15 फीट दूर भी पड़ा तो कोई भी इशू नहीं आता। अब इनकी अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ तो यार इन्हें चार्ज होने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है, और मुझे अराउंड 6-7 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल रहा था, जो कि काफ़ी बढ़िया है। हल्का सा चेंज करेगा जैसे आप इन्हें यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि लीफ ने ना यहाँ पर जो चार्जिंग जैक दिया है वो यहाँ पर कवर नहीं किया गया। हालांकि लीफ क्लेम करता है कि ये स्वेट प्रूफ है, तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा फ्लैप हो जाता तो उससे इम्प्रूवमेंट हो जानी थी, तो अदरवाइज़ ये ईयरफोन्स काफ़ी अच्छे हैं। ओवरऑल अगर मैं इनका रिव्यू सम अप करूँ तो मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँगा कि इनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कम्फर्टेबल है। साउंड क्वालिटी में इन्होंने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया, कॉल क्वालिटी में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तो आपका बजट 2000 रुपये के आसपास का है तो लीफ के ये इन ईयर ईयरफोन्स काफ़ी बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट, आप डेफिनेटली इसे ले सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, आप लेना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करना, मुझे बताना, मैं इसे इंप्रूव करूंगा। अपनी फीडबैक के लिए, अपने क्वेश्चन के लिए, अपनी क्वेरीज के लिए कमेंट सेक्शन का प्रयोग करें प्लीज़। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हमारे लिंक से करें। इस वीडियो में केवल इतना ही था, देखते रहने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।